देश की पहली आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति पद के चुनाव में एक बड़ी जीत हासिल की है। आज इस खास रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे द्रौपदी मुर्मू का राजनीति सफर शुरू हुआ, साथ ही किन परिस्थितियों के साथ उन्हें गुजरना पड़ा। आखिर कौन है द्रौपदी मुर्मू? क्यों हो रही है द्रौपदी मुर्मू की चर्चा? आदिवासी समाज से कैसे हुआ जुड़ाव? क्यों त्रासदी भरा रहा द्रौपदी का निजी जीवन? देश की पहली आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू के नाम की चर्चा अब हर तरफ हो रही है, क्योंकि यही वो नाम है जिसने विपक्षी दलों की खलबलियां अब बढ़ा दी है। द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत लिया है। भाजपा में जिस तरह से खुशी की लहर देखी जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी खेमे में उदासी है। लेकिन इस बार का राष्ट्रपति पद का जो चुनाव रहा वो काफी खास था, क्योंकि इस बार एनडीए ने अपना वो उम्मीदवार उतारा उसकी चर्चा हर तरफ थी। 1997 से शुरू हुआ राजनीतिक करियर। द्रौपदी मुर्मू की राजनीतिक करियर की शुरुआत 1997 में हुई थी, जब वह उड़ीसा के रायरंगपुर अधिसूचित क्षेत्र में काउंसलर चुनी गई थी और फिर वो उसकी वाइस चेयरपर्सन बनी थी। बीजेपी ने उसी साल मुर्मू को ओडिशा अनुसूचित जनजाति मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष भी बना दिया था। बाद में वो उसकी अध्यक्ष भी बनी। 2013 में पार्टी ने उन्हें एसटी मोर्चा का राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य नियुक्त किया था। ओडिशा में सर्वश्रेष्ठ एमएलए के लिए मिला था नीलकंठ अवार्ड। ओडिशा में सर्वश्रेष्ठ एमएलए के लिए नीलकंठ अवार्ड मिला था 2007 में। ओडिशा सरकार द्रौपदी मुर्मू को सर्वश्रेष्ठ एमएलए के लिए नीलकंठ अवार्ड भी दे चुकी है। ओडिशा में राजनीति करने के दौरान उन्होंने आदिवासी समुदाय के उत्थान के लिए काफी सक्रिय योगदान दिया है। जानकारी के मुताबिक 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में भी पीएम नरेंद्र मोदी ने उनके नाम पर विचार किया था, लेकिन आखिरकार रामनाथ कोविंद के नाम पर मोहर लगी थी। वैसे झारखंड के राज्यपाल के तौर पर उनके कार्यकाल को भी प्रधानमंत्री काफी सराह चुके हैं। बिना सैलरी लिए पढ़ाती थी मुर्मू। आपको बता दें कि बिना सैलरी लिए पढ़ाती थी। मौजूदा समय में द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के मयूरभंज जिले से आती हैं और उनके आदिवासी और महिला होने की वजह से भाजपा ने शायद उनके नाम पर ट्रंप काट चला है। राजनीति में आने से पहले मुर्मू टीचर रही हैं। समाज सेवा के प्रति उनका समर्पण ऐसा रहा है कि रायरंगपुर के श्री अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर में वो बिना सैलरी लेकर पढ़ाया करती थी। उनकी राजनीति में पैच का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि नवीन पटनायक के उभरने की वजह से बीजेपी ओडिशा में कोई ज्यादा कमाल नहीं कर पाती, बावजूद इसके वो अपनी सीट से जीतने में सफल होती रही। प्रशासनिक तौर पर काफी अनुभवी हैं द्रौपदी मुर्मू। ओडिशा में बीजेडी और बीजेपी गठबंधन सरकार के दौरान द्रौपदी मुर्मू 2000 और 2004 के बीच वाणिज्य और ट्रांसपोर्ट और फिर बाद में मत्स्य और पशुपालन संसाधन विभाग में मंत्री का दायित्व भी संभाल चुकी हैं। जब केंद्र में 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो 2015 में उनके झारखंड की पहली महिला और आदिवासी गवर्नर के तौर पर ताजपोशी हुई, यानी कि उनके पास एक लंबा प्रशासनिक अनुभव है। बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाली मुर्मू ओडिशा के एक बहुत ही पिछड़े जिले से आती हैं, लेकिन सभी तरह की कठिनाइयों के बावजूद पढ़ाई के प्रति उनकी ललक ऐसी थी कि उन्होंने अपना शिक्षा पूर्ण किया। त्रासदी भरा रहा द्रौपदी का निजी जीवन।
64 साल की द्रौपदी मुर्मू का राजनीतिक करियर और समाज सेवा के प्रति समर्पण भाव जितना ही शानदार रहा, निजी जीवन उतना ही त्रासदी भरा रहा। वो अपने पति श्याम चरण मुर्मू और दो बेटों को समय से काफी पहले खो चुकी हैं। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत चुकी हैं, वहीं अब वो पूरे देश के आदिवासी समाज का न केवल देश के सर्वोच्च पद पर रहकर प्रतिनिधित्व करेंगी, बल्कि उनकी वजह से अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि और भी चमक सकती है।